के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम आप सब लोग यहाँ पूना और पिंपरी चिंचवड़ के रहवासी हैं, समर्थ रामदास के संप्रदाय के परम नाम अवतारी सत्पुरुष श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर के हम सभी अनुग्रहित है और राम नाम के दीक्षा से हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है। लेकिन दो दिन पहले आपने कथा में कहा था कि निज अनुभव बहुत जरूरी है, तो गए एक तप से हम सारे बच्चे रामचरितमानस का पाठ आपको देख देख के सीख रहे हैं, आपको देख देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हर दिन जब कोई चौपाई गाता था तो मेरे अंतर मन में मेरे बापू होते थे और मैं हमेशा उन्हें पूछता था कि ये चौपाई बापू आपको अच्छी लगी, आपकी रुचि में ये पसंद आई। तो आज एक सुतीक्ष्ण का अंशात्मक निज अनुभव आ गया कि हृदय में भी आज रामायण गाते वक्त मेरे बापू ही है और सामने भी सगुण अवतार में मेरे परम आदरणीय मेरे बापू, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन बापू। आपके ही पुष्प वाटिका से चुने हुए कुछ कुसुम आपको ही आज सेवा रूप में अर्पित करने जा रहे हैं, सेवा कबूल करना बाप। जय जय रघुवीर समर्थ, जयाचाजनी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वास नामात केला, जयाचा मुखी सर्वदा नाम कीर्ति। नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराम। थोड़ी नाम वंदना। जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम। Jai Jai Ram.
कृष्ण अद्वितीय सूत्र हम सब पांडुरंग भक्तों को दिया है और वह यह है कि तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन किए या नहीं किए, इस प्रश्न से अच्छा यह सोच बहुत जरूरी है कि अगर वो नहीं गए हो तो भी फिर वो यही हैं, तो यही वैकुंठ है। और यह सूत्र हमें बहुत आनंद देता है बापू, इस चरण भूमि के रज की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण और पूरी तरह से आपने इस कथा के माध्यम से बदल दिया। तो आइए बापू, इस वैकुंठ की भूमि से कैलाश का हम अवलोकन करें, बालकांड का कैलाश अवलोकन भूपेश्वरी राग में। शंभु कृपा
याद आती है तो आपने उसमें बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। इस सूत्र का आपने बड़ा सुंदर विस्तार किया था जो मेरे मति में मैं समझ पाया उस सूत्र से। बापू जीवन में शांतता यही हमारी सबसे बड़ी आज जरूरत है। मुझे लगता है शास्त्र केवल अन्न वस्त्र और निवारा इन तीनों ही चीजों को हमारी मूलभूत जरूरतें समझता है लेकिन सबसे बड़ी जरूरत आज हमें है शांति की। और यह चौपाई हमें शांति की राह बताती है कि आप एक वृक्ष के छांव के नीचे रहिए। वो वृक्ष कोई कैलास का लौकिक वृक्ष नहीं, यह प्रत्यक्ष सद्गुरु कृपा की छाया है। उस छाया में जो रहे, और देखिए ना मेरे महादेव जी के पास कितने गण थे कितने सेवक थे लेकिन निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से यह निस्पृहता हमें महादेव की एक ऐसी सीख देती है कि जीवन में अगर शांत होना है तो पहले तो जीवन में और लोगों से रही हुई अपेक्षाओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम जितने निस्पृह बने जितने निस्वार्थ बने मुझे लगता है शांति की तरफ हमारे कदम चल सकते हैं। और जब ऐसी शांति हमारे जीवन में आती है तो भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, भक्ति स्वयं अपने आप ऐसे शांत हृदय को ढूंढते ढूंढते आती है। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती फल अवसर जानी पार्वती बर हर सो जानी गई शंभु पही मातु भवानी गई शंभु जानी प्रिया आदर अति कीना जानी गया वाम भाग सनु हर चर्चा ऐसे शांति आत्म अवस्था में ही हो सकती है। राम कौन है यह जानने के लिए जीवन में परम शांति की हमें जरूरत है।
दृश्य से सुख मांगने की इच्छा हमें कभी राम तक आने नहीं देती है। मेरे समर्थ कहते हैं, मनी कामना राम नाही तयाला, अति आदरे प्रीति नाही जयाला। जिसके मन में कामना हो, दृश्य से सुख मिलाने की इच्छा हो, वह राम चर्चा कभी नहीं कर सकता, भगवत चर्चा कभी नहीं कर सकता। और जब मेरे महादेव को माते पार्वती ने राम के प्रति प्रश्न पूछे, तो यह प्रश्न सुनकर मेरे महादेव आंखें मूंद कर बैठ गए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जैसे एखादी माँ अपना बच्चा परदेश जाने के बाद कभी अपनी पुरानी अलमारी खोजती है और उसे अपने बच्चे के एक एल्बम मिल जाती है और वो ढूंढती है एक एक एल्बम में एक एक तस्वीर कि मेरा बच्चे का ये स्कूल का पहला दिन, ये उसके कॉलेज का पहला दिन, ये उसके जीवन के अलग अलग प्रसंग, और वह जो काम के लिए गई थी वो काम भूल जाती है। वैसे मेरे माता पार्वती ने जब सवाल पूछे तो मेरे महादेव के हृदय की अवस्था वैसी हो गई और मेरे महादेव की आंखें वह मूंद कर अपने मन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही जीव और शिव का अंतर है। जीव को अपना मन अंदर लेना पड़ता है साधना के प्रति, और शिव को संवाद करने के लिए मन को बाहर लाना पड़ता है। और ऐसे मेरे महादेव जब यह सुनते हैं माता पार्वती का प्रश्न, तो उनके मन में रोमांच आ जाता है। बसंत मुखारी, राम राम।
सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। मनु और शत्रुपा को इतनी अनंत वर्षों के तपश्चर्या के बाद जो ईश्वर दर्शन हुआ वो जीव समझ नहीं पाएगा, उसके लिए तो केवल मनु और शत्रुपा की आंखें चाहिए। लेकिन हम राग परमेश्वरी के आधार से, मनु और शत्रुपा की दृष्टि से प्रभु रामचंद्र को देखने का एक प्रयत्न करते हैं। बदन छवि सीवा शरद मयंक बदन छवि सीवा शरद मयंक बदन छवि सीवा शरद मयंक बदन छवि चारु कपोल चिबुक दर दीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा शरद मयंक बदन छवि चिबुक दर ग्रीवा
आप जानते हैं कि मनु जी ने नैमिषारण्य में ईश्वर से विवेक मांग के रखा। उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र हो, लेकिन मुझे यह विवेक बरकरार देना कि कभी मैं यह ना सोचूं कि प्रभु आप मेरे पुत्र हो और आपके इस पुत्र भावना से मेरा यह विवेक कहीं डगमगा जाए। तो यही मनु जी कौसल्या के रूप में अपने विवेक को बहुत सुंदर तरीके से जतन करती है। समस्त रामायण में कई प्रसंग है जब माता कौसल्या का हमें विवेक दर्शन होता है। एक विवेक दर्शन चित्रकूट पर होता है जब भरत जी के बारे में पूछा जाता है, नभ प्रसून जरी धन्य धन्य धुनी। विवेक का यह वर्णन देखकर समस्त आकाश से नभ से पुष्प वृष्टि होती है। एक विवेक का दर्शन है जब प्रभु रामचंद्र अरण्य में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मेरे हृदय को माता पार्वती का सबसे पहला विवेक दर्शन जो बालकांड में अर्थात विश्वरूप दर्शन के पश्चात होता है, और वह है कि उसकी जो एक सुंदर सी मीठी सी तकरार है प्रभु रामचंद्र के पास, उस तकरार में मुझे उसका विवेक दर्शन मन को बहुत भाता है। प्रभु आपके चरणों में राग सरस्वती। सुफल जग जनमु हमारा, आजु सुफल जग जनमु हमारा, आजु सुफल जग जनमु हमारा, आजु सुफल जग जनमो हमारा। देखी तात विधु बदन तुम्हारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, देखी तात विधु बदन सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, आजु सुफल जग जनमू
फल जग जनमु हमारा ला यह मीठी तकरार है विचारों से हमारे विचारों में एक ऐसा परिवर्तन आया है कि जिसके कारण मेरे सद्गुरु का एक विधान मेरे अनुभूति में मुझे आया। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि रामचरित्र सर्वांग से अत्यंत मीठा है। प्रभु रामचंद्र का शौर्य भी मीठा, उसकी शत्रुत्व की भावना भी मीठी, और माता कैकेयी ने जो यह हमारे जैसे सामान्य जीवों के दृष्टिकोण से कुटिल क्रिया की है वह भी एक प्रकार से अत्यंत मीठी ही प्रक्रिया है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र अगर अवध का त्याग नहीं करते तो शायद इतना दिव्य चरित्र हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो यह जहर का प्याला यह महादेव के रूप में माता कैकेयी ने अयोध्या में उठाया, जो हमें आपके विचारों के कारण स्पर्श करके गया। वही प्रसंग माता कैकेयी का जिसके द्वारा उसने प्रभु रामचंद्र को 14 बरस का वनवास और अपने सुपुत्र भरत के लिए राज तिलक यह विधान किया पुरिया धनश्री में। ना सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक पर भरत हिटी का, देहु एक पर भरत भरत हिटिका, देहु एक पर भरत हिटिका, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत
भगत जी का। कैकेयी का यह बाण राजा दशरथ के सीने में जाकर लगा है। हम हमेशा कथा में जब प्रवाहित होते हैं तो हमें लगता है कि केवल विवेक का वरदान माता कौसल्या को ही प्राप्त है, लेकिन बापू आपकी ही कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि अगर माता कौसल्या विवेकी है तो राजा दशरथ परम विवेकी है, क्योंकि आपने एक सुंदर सूत्र आज ही बताया कि आज आप ताल का महत्व बता रहे थे कथा में, तो दशरथ जी अपने ताल में रहे निरंतर, जो उन्होंने ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की थी कि मेरा प्राण आपके अस्तित्व में रहे, आपके सहवास में रहे। और इसका परम विवेक दर्शन हमें अयोध्या कांड में होता है, आपकी अत्यंत परम प्रिय चौपाई जिसके द्वारा दशरथ एक ऐसा सवाल प्रभु रामचंद्र के सामने खड़े कर देते हैं कि जिस सवाल का जवाब प्रत्यक्ष ईश्वर के पास भी नहीं है, और करे अपराध को और फल पावे को, अति विचित्र भगवंत गति को जन जागे जो। पूज्य बापू आपको यह अत्यंत हृदय को स्पर्श करने वाली चौपाई नट भैरव राग में हम आपके सामने पेश करें। चरा चर नायक है
सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि शुभ शुभ कर्म अनुहारी सुते फलु हृदय विचारी सुते फलु हृदय विचारी सुदेइ फलु हृदय विचारी करहि जो कर्म पाव फल सोई करहि जो कर्म पाव फल सब कोई निगम नीति ऐसी कह सब कोई सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि सुनहु तात तुम सुनहु तात तुम कहो मुनि कहि। हमारे ठाकुर अयोध्या कांड में इतने प्रसंग हुए लेकिन इतना अति कोमल रघुबीर सुभाव ऐसा जिसके स्वभाव का वर्णन किया जाता है ऐसे मेरे ठाकुर समस्त अयोध्या कांड के प्रसंग में हमें स्थित प्रज्ञता का दर्शन देते हैं। कहीं पे भी उनके आंखें रुदन नहीं कर रही हैं, बस स्थित प्रज्ञ रूप में हर प्रसंग को वो सामने जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ठाकुर अगर रोए हैं जी भर के रोए हैं तो चित्रकूट पर रोए हैं, एकांत में रोए हैं। जब जब अकेले रहते थे, जब जब अवध की उन्हें स्मृति आती थी, तब तब मेरे राम अकेले रो पड़ते थे। अयोध्या कांड की वो प्रसिद्ध चौपाई, जब जब राम अवध सुधी करही, राग किरवाणी में जब जब राम अवध सुधी करही जब जब राम अवध सुधी करही जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि तब तब बारी बिलोचन भरहि सुमिरि मातु पितु पितु परिजन भाई
देखा जाए तो चरित्र के रूप में अलग अलग तरीके से लिखा गया है कि राजा दशरथ ने वहां प्राण छोड़ना, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे गुरु कृपा से ऐसा लगता है कि यह प्रसंग बिल्कुल उसी दिन हुआ है जब मेरे राजा दशरथ ने अयोध्या में अपना प्राण त्याग दिया, क्योंकि गंगा जी के किनारे से सुमंत्र पीछे हट गए और प्रभु रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि से संवाद करके चित्रकूट में आके बसे हैं। तो चित्रकूट की कुटिया में प्रभु रामचंद्र है और वहां सुमंत्र पहुंचकर राजा दशरथ को समस्त वृत्तांत देते हैं। तो राजा दशरथ की वह चीख, एक उनकी आर्त भावना, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और यह मेरे प्रभु रामचंद्र को वहां सुरती देती है। इसलिए सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, और मुझे इससे भी ज्यादा साक्ष्य गोस्वामी जी की यहां लगती है कि जब वह कहते हैं कि अगर मैं रोने लगा तो मेरी परछाई भी रोने लगेगी और मुझे पूछने लगेंगे कि आप प्रभु क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, और मैं असत्य वचन कैसे कहूं। और इसलिए प्रभु रामचंद्र उन्हें सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगते हैं। तो प्रभु आप जो सूत्र देते हैं उसका ही पुनरुच्चार यहां गोस्वामी जी करते हैं कि जब जब जीवन में दुख हो तो एक ही कीजिए, प्रत्यक्ष ईश्वर भी उसका ही सहारा लेता है, लगे कहन कछु कथा पुनीता। जीवन के समस्त दुखों की, जीवन की समस्त व्यथाओं का एक ही औषध है कथा, जिसका सहारा प्रभु रामचंद्र ने लिया। जब जब राम अवध सुधि करहि, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, जब जब राम अवध सुधि करहि, जब जब राम अवध केवल तीन चौपाइयां बची है, अगर आप अनुमति दे तो पूरी करके। प्रभु हम अयोध्या का यह प्रसंग देख रहे थे जब राजा दशरथ एक जगह पे कर्म की गति प्रभु रामचंद्र को पूछते हैं और वहीं प्रभु रामचंद्र चित्रकूट पर अकेले एकांत में रोते हैं, और शायद यही प्रसंग वही क्षण जिसमें प्रभु रामचंद्र राजा दशरथ का स्मरण कर रहे हो। यहां पे उनके परछाई के रूप में लक्ष्मण और माता जानकी को कहा गया है। बापू जीव की परछाई तो वह न चाहते हुए भी उसके पीछे आती है, लेकिन प्रभु रामचंद्र के साथ जाने के लिए लक्ष्मण और माता जानकी ने जिस तरह से विनय दिखाते हुए अनुरोध किया है उसका इतिहास में कोई जोड़ हमें नहीं मिल सकता।
प्रभु रामचंद्र उन्हें शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, सब सूत्र देते हैं कि आप मेरे साथ मत चलिए। लेकिन जिस तरह से मेरे लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र को उन्हें वन में ले जाने के लिए सवाल करते हैं, और जब जब ऐसे सवाल प्रभु रामचंद्र के सामने आते हैं तो मेरे ठाकुर मौन हो जाते हैं, उसी मौन में उनका उत्तर सामने वाले को मिल जाता है। राग बैरागी भैरव। मोरे सब एक तू स्वामी, मोरे सब एक तू स्वामी, मोरे सब एक तू स्वामी, मोरे सब एक तू स्वामी। अंतर जामी दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी। धर्म नीति उपदेशियताही, धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, कीरति भूति सुगति क्रम बचन चरण रत होई, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय किसोई, कृपा सिंधु परि हरि बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर जामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे मोरे सब एक तुम स्वामी।
बापू, आप हमेशा कहते हैं भक्ति खानदान में होनी चाहिए, खून में होनी चाहिए, परंपरा से आनी चाहिए। लक्ष्मण जी जब यह इतना बड़ा विधान कर जाते हैं कि मन अक्रम बचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहर की सोई, तो वह संस्कार उसे उसे उसके मां के कोख से मिले हैं। सुमित्रा ने जब लक्ष्मण जी के द्वारा उन्हें पूछा गया कि मां राम वनवास जाना चाहते हैं, क्या मैं मेरे राम जी और जानकी जी के साथ वन जा सकता हूं, तो सुमित्रा ने एक क्षण में जो जवाब दिया उससे लक्ष्मण जी को कोख में क्या संस्कार प्राप्त हुए हैं उसका हमें बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी इन चौपाइयों के द्वारा शाहना कानड़ा राग में। बापू को जो पसंद है ऐसे राग मेरे मति अनुसार मैं चुन के लाया हूं बापू। तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही। अवध तहाज रामु निवासु, अवध तहाज राम निवासु, अवध तहाज राम निवासु, अवध तहाज राम प्रकाशु, तहि दिवसु जह भानु प्रकाशु, भानु प्रकाशु, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात माता उर्मिला, माता सुमित्रा ने
हमें कितना सुंदर सूत्र दिया है। हम सब राम भक्त इस राम कार्य में हैं और बापू हमेशा हमें कहते हैं कि जो भी कार्य करो बड़े निष्कामता से करो, तभी वह राम कार्य कहा जाएगा। तो सुमित्रा जी हमें ऐसा निष्काम पुत्र जिस माँ को होता है उसी माँ की कोख सही मायने में पुत्रवती कहलाती है। अन्यथा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दंभ करके राम सेवा का दिखावा कर रहा है, शायद वह अपने माँ के कोख से जन्म लेते हुए भी अपने माँ को बांझ ही रखता है। तो माता सुमित्रा ने हमें यह बहुत अद्भुत सूत्र, एक बड़ा संस्कार हम से समस्त राम भक्तों पर किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत तू जासु सुत हो, रघुपति भगत तू जासु सुत होई, नतरु बांझ भली बादी बियानी, नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत दे जानी, राम विमुख सुत देहित जानी, तात तुम्हारी मातु बहने ही, तात तुम्हारी मातु बहने ही, तात तात तुम्हारी, तात तुम्हारी मातु बहने ही। ये आखिरी सेवा कथा प्रसंग की आपके सामने रख के वाणी को हम विराम देंगे और वह है परछाई की दूसरा अंग माता जानकी का। जब माता जानकी को प्रभु रामचंद्र ने कई तरीके से समझाना चाहा, तो माता जानकी ने वही प्रश्न प्रभु रामचंद्र के सामने रखा जिस तरह से लक्ष्मण ने यह प्रसंग प्रभु रामचंद्र के सामने रखा था। माता जानकी की यह पृच्छा राग मधुवंती में। अंतर जानी,
बिनती बहुत करो का स्वामी, बिनती बहुत करो का स्वामी। राम राम राजा राम 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 सीता
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जानकी जीवन स्मरण जय जय बापू ये हमारे सारे बच्चे हैं ये माधव लिमय करके हैं हारमोनियम पर ये गुरुन सनाओ का है चिन्मय कोल्हटकर जी से हारमोनियम सीख रहे हैं केवल 22 साल की उम्र है उनकी और बड़े अच्छे अच्छे और बहुत सारी रचनाएं इसने स्वयं राग में बिठाई है मेरे साथ गाता है कथा में बजाता भी है ये निषाद व्यास है राजन साजन मिश्रा के उनके गुरुमुखी शिष्य है वहाँ पे बनारस में जाके सीखते हैं और अभी हमने बापू 12 ज्योतिर्लिंग का राम कथा गाने का संकल्प किया है उसमें से सोमनाथ और श्री शैलम की कथा हमारी गुरु कृपा से पूरी हो चुकी है अभी उज्जैन में हम लोग वह सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम इस श्लोक के आधार से परिक्रमा कर रहे हैं वैसे तो मैं इंजीनियर आदमी हूँ प्रवीण जी मेरे फैक्ट्री में आ चुके हैं यहीं पे पास में फैक्ट्री और गौशाला है लेकिन आपने सिखाया हुआ मार्ग पे भजन और भोजन निष्काम भावना से रखते हुए महाराष्ट्र में मराठी में हम लोग तुलसी राम ये कथा गा रहे हैं और आपके द्वारा ही दिए हुए सूत्रों के आधार पर आपका नाम लेके हम महाराष्ट्र में यह सब कथा लोगों को सुनाते हैं और लोगों को बड़ा परमानंद उससे आ रहा है हमारे जो बांसुरी वादक है आज वो रिप्लेसमेंट में आए हैं कुंदन जी जो हमारे नियमित बांसुरी वादक है वो नहीं है ये हमारे ताल वादक है मिलिंद जी ये कल्याणी देशपांडे ये भी पुना की सुप्रसिद्ध सतार वादक है और हमारे सोहम जोशी रत्नागिरी से है वैसे तो लेकिन पुना में रहते हैं चारुदत्ता आफड़े जी और बड़े बड़े कीर्तनकारों के साथ तबला बजाते हैं और मैं रविंद्र पाठक आपका एक छोटा सा फ्लावर की हुई सेवा आपके चरणों में समर्पित करता हूं बापू आपको हमारी पूजा प्रसन्नता दे